तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर जमन और आप लोग देख रहे हो जमन ऑफिशियल क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूं पान और आधार लिंक के एक्सटेंड डेट के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है और आपने थंबनेल में जो देखा है, जी हाँ बिल्कुल, आप जिसकी वजह से बहुत सारे परेशानी आपको हो रही है सारे दिन, ठीक है, तो उस सारे समाधान में आपको लेकर आया हूं पान और आधार लिंक के बारे में। जो मैंने पिछली बार भी मैंने वीडियो में कहा था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पान और आधार लिंक का जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड करेगा। तो फाइनली गाइस, ये जो न्यूज़ है हमारे पास आ गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ट्विटर हैंडल है जो कि इनकम टैक्स द्वारा है, ठीक है, ये देख सकते हो आपका इनकम टैक्स इंडिया। तो इनकम टैक्स का जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे उन लोगों ने ट्वीट करके बता दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यू दिल्ली 28 मार्च, जो कि आज के डेट में ये जो नोटिफिकेशन है वो निकल के आया है, उन लोगों ने रिलीज दिया, प्रेस रिलीज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ पान आधार एक्सटेंडेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है, लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ पान आधार एक्सटेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम मोर टाइम्स टू द टैक्स पेयर्स। द डेट फॉर लिंकिंग पान एंड आधार हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू 30 June 2023, वेयर बाय पर्सन कैन इनिशिएट देयर आधार टू द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी फॉर आधार पान लिंकिंग विदाउट फेसिंग रिस्पेशियस नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट इज बींग इशूड सेपरेटली। तो गाइज, यहाँ पे पहला जो डेट था वो 31 मार्च 2023 था, अभी जो फिलहाल डेट दिया गया वो 30 जून, मतलब बहुत डेट एक्सटेंड किया है, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले 31 मार्च था, अभी 30 जून यहाँ पे उन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द एक्ट, एवरी पर्सन हु हैज़ बीन एलोटेड अ पान एज ऑन 1 जुलाई, जो कि आप लोग पहले से भी जानते हो 2017, एंड इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट हिज आधार टू द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी और बिफोर 31 मार्च 2023। जो जिन लोगों ने आधार कार्ड 2017, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हैज़ बिन एलोटेड पान एज ऑन 2000, यहाँ पे 1 जुलाई 2017, एंड इज एलिजिबल। जो 2017 1 जुलाई से लेकर अभी तक जिन जिन भाइयों ने पान कार्ड अलॉट किया है, पान कार्ड बनाया है, इन सभी को लिंक करना मैंडेटरी है, लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों ने यहाँ पे बोल दिया है, द डेट फॉर इनिमेटिंग आधार टू द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ लिंकिंग पान एंड आधार हैज नाउ बिन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2023। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30 जून कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप आहिस्ता से आहिस्ता आप ये लिंक जो है वो आप करा लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फ्रॉम 1 जुलाई 2023, द पान ऑफ टैक्स पेयर्स हो हैव फेल्ड टू इंटरमाइट डियर आधार एज रिक्वायर शैल बिकम इनऑपरेटिव एंड द कॉन्सिक्वेंस ड्यूरिंग द पीरियड दैट पान रिमेंस इनऑपरेटिव विल बी एज फॉलोज। तो आप लोग अगर लिंक नहीं करोगे इस डेट के अंदर 30 जून के अंदर, तो नो रिफंड शैल बी मेड अगेंस्ट आज पान, ठीक है। आपका जो रिफंड, जो भाइयों ने कमेंट करके मुझे बता रहा है कि रिफंड, तो भाइयों रिफंड आपको नहीं मिलेगा। जिन जिन ने पेमेंट किया है लिंक करने के लिए, अगर आपका इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स आया है, चालान जनरेट नहीं हुआ है, तो उसका कोई आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अगर इनकरेक्ट पेमेंट डिटेल्स आया है, अगर आपका बैंक से डिबिट हो चुका है, तो वे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। बस आपको वेट करना है, 10 दिन 12 दिन आपको वेट करना है, हफ्ता दिन आपको वेट करना है, ठीक है। आपको जो पेमेंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा। इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेएबल ऑन सच रिफंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच पान रिमेंस इनऑपरेटिव। एनटीडीएस शैल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनकम टैक्स द्वारा आपको मैं ट्विटर हैंडल में जाकर भी आप लोगों को दिखा दिया, उसका जो इनकम टैक्स का जो ट्विटर हैंडल है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम मोर टाइम्स टू द टैक्स पेयर्स, द डेट ऑफ फॉर लिंकिंग पान एंड आधार हैज बिन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2023, वेयर बाय पर्सन कैन इंटरमेट देयर आधार टू द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी फॉर पान आधार लिंकिंग विदाउट फेसिंग रिस्पेक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये उन लोगों ने नोटिस जारी कर दिया, जो कि मैंने नोटिस अभी अपने आपको जूम करके दिखाया है, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की जरूरत है नहीं गाइस, आपके हाथ में अभी बहुत सारा डेट है, बहुत सारा समय आपके पास है, तो आप आहिस्ता से आप ये लिंक करा लीजिएगा। अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है, इनकरेक्ट पेमेंट डिटेल्स आ रही है, ठीक है, तो आप लोग ये जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये पेमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। आप दोबारा मत
पेमेंट कीजिएगा दोबारा काय भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया कि उन लोगों ने 3 times पेमेंट कर दिया 4 times पेमेंट कर दिया। तो गाइस ऐसा गलती आपको नहीं करना क्योंकि आपका रिफंड मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप एक बार ही पेमेंट कीजिए और अगर रॉन्ग डेट्स में चले जाए, ठीक है, इनकरेक्ट पेमेंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका डिबिट हो चुका है तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक न्यूज वेबसाइट जो मैंने विजिट किया है, यहाँ पर देख सकते हो डेडलाइन फॉर लिंकिंग आधार कार्ड विथ पान कार्ड एक्सटेंडेड अगेन टू June 30, हाउ टू लिंक पान आधार। जो मैंने अगर आपका लिंक कैसे करोगे उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आपका जो पैन कार्ड है वो लिंक करा सकती हो। तो अगर कोई और इश्यू है तो आप मुझे इस वीडियो पर आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर लिंकिंग आधार कार्ड विथ पान कार्ड till June, the deadline for linking permanent account number PANs with Aadhaar has been extended till June 30, 2023, the finance ministry said in a statement on Thursday, जो कि आज के डेट में 28 मार्च आज जो है आज के डेट में ये एक यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड आज उन्होंने बताया ट्यूजडे अर्लियर द डेडलाइन फॉर लिंकिंग आधार पान कार्ड वाज मार्च 31। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो पहला का जो है मार्च 31 था, अभी जो जून कर दिया गया 30 जून कर दिया गया। दिस इज अ कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 13। यहाँ पे आप देख सकते हो 9AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर सेवरल एक्सटेंशन द गवर्नमेंट हैज June 30। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज बहुत सारा यहाँ पे बोला गया है कि सेवरल टाइम्स उन्होंने एक्सटेंस किया है, ठीक है। आफ्टर सेवरल टाइम एक्सटेंशन बहुत सारा डेट उन्होंने एक्सटेंस किया है, द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड। अभी जो डेट है June 30 एकदम पूरा फिक्स्ड है, ठीक है। आपको ये डिलाई नहीं करना है, फिलहाल आपको डिलाई नहीं करना है। अभी जो डेट दिया गया है June 30 वो फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड June 30, 2023 एज द डेडलाइन फॉर लिंकिंग पान कार्ड विद आधार। ये जो डेट दिया गया है अभी सेकेंड टाइम ये फिक्स्ड है, ठीक है। आपको डिले नहीं करना है, आप अगर पान और आधार लिंक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ठीक है। फ्रॉम July 1, 2023 द पान ऑफ थोस हो डो नो लिंक आधार पान विल बिकम इनएक्टिव। हाउ एवर द मिनिस्ट्री एडेड डेट द पान कार्ड विल बी री इम्प्लीमेंटेड विद इन 30 डेज आफ्टर पेमेंट ऑफ प्राइस 1000। फिल ए नोटिफिकेशन ऑफ आधार टू द डिजिग्नेटेड अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री पीपल हुज पान्स बिकम इनएक्टिव विल नॉट गेन एनी रिफंड्स अगेंस्ट देयर पान्स, ठीक है। इंटरेस्टेड विल नॉट बी पेड ऑन such funds for the period during which the PAN is inactive and TDS and TCS will be deducted. यहाँ पे आप लोग मोर देन 51 करोड़ पान कार्ड्स हैव ऑलरेडी बीन लिंकेड टू आधार द फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ठीक है। यहाँ पे 51 करोड़ अभी लिंक हो चुका है ऑलरेडी, तो आपका अगर लिंक बाकी है तो आप भी करा लीजिए। हाउ कैन यू लिंक, तो फ्रेंड्स मैंने बताया मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन भी आपका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, होप आपका ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो इसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह वीडियो हमेशा पाते रहे, ठीक है। तो आज के सिर्फ वीडियो में इतना ही, तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं हमेशा इसी तरह वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो गाइस अंत में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।